अरे दादाजी क्या हुआ? कछु नहीं लल्ला, खांसी हो गई। अच्छा खांसी हो गई है तो दवा ले लेते। हाँ ले आए थे दवाई, हमने वहां से खांसी की मांगी, बाने में कफ की दे गई। अच्छा खांसी को ही कफ कहते हैं दादाजी। अच्छा ठीक है, चलिए आज मैं आपको बहुत सारी बीमारियों के इंग्लिश में नाम बताता हूँ और आपको भी। चलिए सीखते हैं बीमारियों के नाम इंग्लिश में। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जुकाम। जुकाम को बोलते हैं कोल्ड, कोल्ड। अब आते हैं दस्त। दस्त को हम बोलते हैं लूज मोशंस, लूज मोशंस। अब आता है उल्टी आना। उल्टी आने को बोलते हैं वोमिटिंग, वोमिटिंग। अब आता है तनाव। तनाव को बोलते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब देख लेते हैं बेहोशी। बेहोशी को बोलते हैं फेंटिंग, फेंटिंग। अब आता है दमा यानी सांस उखड़ना, उसको बोलते हैं अस्थमा, अस्थमा। अब आता है बहरापन। बहरेपन को बोलते हैं डीफनेस, डीफनेस। आँख का दर्द, आँख के दर्द को इंग्लिश में बोलते हैं आई पेन, आई पेन। अब आता है पेट का दर्द। पेट के दर्द को बोलते हैं स्टमक एक, स्टमक एक। अब आता है मधुमेह यानी शुगर। शुगर को बोलते हैं डायबिटीज़, डायबिटीज़। अब आता है अंधा। अंधा को बोलते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड। अंधेपन को बोलते हैं ब्लाइंडनेस। अब आती है मोच। मोच को बोलते हैं स्प्रेन, स्प्रेन। अब आता है गला ख़राब होना। गला ख़राब होने को बोलते हैं सोर थ्रोट, सोर थ्रोट। अब आता है चेहरे पर दाने जिन्हें हम पिंपल्स कहते हैं, पिंपल्स। मुहासा, मुहासे को बोलते हैं एक्ने, एक्ने। अब आती है खुजली यानी इचिंग, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इचिंग। अब आती है खांसी जो कि दादा को थी, उसे बोलते हैं कफ, कफ। अब आता है दांत दर्द। दांत दर्द को बोलते हैं टूथ एक, टूथ एक। अब आता है लास्ट सर दर्द यानी हेडेक, हेडेक। आई हैव अ कफ, मुझे खांसी है। हाँ देख लल्ला मुझे आ गई इंग्लिश, आ गई मुझे। जी दादाजी आपने बिल्कुल सही बोला, आई हैव कफ। कफ को ही हम हिंदी में खांसी कहते हैं। आप इंग्लिश सीख गए हैं दादाजी, मुबारक हो। अगर आपको भी इंग्लिश सीखनी है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करके